जब एक जिन शासन की श्राविका पत्थरों में प्राण डालती है तो परिणाम स्वरूप किस तरह का भव्य जिनाले बनता है, जानने के लिए बनी रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले भाग में हमने अनुपमा देवी के जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया। इसी अनुपमा देवी ने भव्य जिनाले बनवाया था। अद्भुत कला और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्विंग्स, वो यदि देखना हो तो हमें देलवाड़ा जाकर उस भव्य लुणिक वसई जिनाले के दर्शन करने होंगे। कहते हैं कि अनुपमा देवी के पुण्य से उस परिवार की समृद्धि में बहुत वृद्धि हुई थी, क्योंकि जब जब धन को छुपाने के लिए खुदाई करते थे तब तब वही से उन्हें और धन की प्राप्ति होती थी। अब उस धन का क्या किया जाए, इस परिस्थिति में अनुपमा देवी को एक विचार आया। अनुपमा देवी ने कहा कि अब धन जमीन के अंदर नहीं बल्कि जमीन के ऊपर ही रखेंगे, लेकिन इस तरह से रखेंगे कि देखेंगे तो सब लेकिन लेकर कोई जा नहीं पाएगा। और फिर इस तरह से एक भव्य जिनाले बना जिसे हम सब आज लुणिक वसई के नाम से जानते हैं। और उसी आबू देलवाड़ा की कारीगरी आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है, आश्चर्यभूत है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट माउंट आबू फॉर इट्स हिस्टोरिक एंड आर्किटेक्चरल ग्लोरी। विश्व भर में प्रसिद्ध ऐसे आबू देलवाड़ा तीर्थ में लुणिक वसई जिनाले के कारीगरी का काम अनुपमा देवी ने ही करवाया था, जिसके दर्शन करने के लिए आज भी लाइन लगी रहती है। अनुपमा देवी ने उन कारीगरों को रात दिन काम पर लगा दिया था। सख्त मेहनत तो करवाई ही थी, पर साथ ही एक माँ की तरह उन कारीगरों का ध्यान रखा था, उनको संभाला था। खाना पीना पगार आदि किसी भी बात में अनुपमा देवी ने कभी भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। हर क्षेत्र में उनकी इतनी उदारता देखकर वे सभी कारीगर उन्हें अपनी माँ ही मानने लगे थे। आखिर उस अद्भुत कार्विंग्स के पीछे का रहस्य क्या था? अनुपमा देवी ने कारीगरों से कह दिया था कि आप केवल नक्काशी का काम कीजिए और उससे जो भी वेस्ट निकलेगा उसके वजन के माप समान चांदी दी जाएगी। This resulted in even more beautiful carvings. बात यहाँ पर नहीं रुकी, यह कार्य पूरा हुआ तो अनुपमा देवी ने कहा कि अब और डेप्थ में यानी और शार्प कार्विंग्स करो और फिर से जो वेस्ट निकलेगा उसके वजन के माप अनुसार सोना दिया जाएगा। इस तरह से कारीगरों के साथ न्याय पूर्ण कार्य करवाया गया। अंत में कारीगरों ने हाथ जोड़कर कहा कि अब इससे ज्यादा कोतरनी करेंगे तो शायद पत्थर नहीं टिकेगा, और तब जाके कार्विंग्स का काम पूरा हुआ। यदि आप कभी आबू के मंदिर दर्शन करने जाए तो आपको भी लुणिक वसई के कण कण में अनुपमा के संकल्प की, उनके बलिदान की, उनके परिश्रम की महक जरूर अनुभव होगी। पति द्वारा उपेक्षा पाई हुई एक सो कॉल्ड काली कुरूपी स्त्री भी क्या कुछ कर सकती है, ये वहां देखने को मिलता है। इस तरफ तेजपाल को भी कुछ वर्ष बीत जाने पर अपनी भूल महसूस हो गई थी। तेजपाल को भी अपनी पत्नी अनुपमा की कीमत समझ आ गई थी। उसे अनुभव हुआ कि पत्नी की कीमत उसके रूप से नहीं उसके गुणों से ही है। अप्सरा जैसी पत्नी भी यदि झगड़ालू हो तो उसे सुख नहीं ही मिलेगा। वही दूसरी ओर रंग में काली कुरूपी ऐसी पत्नी भी यदि गुणवान हो तो वही सच्चा सुख प्रेम और शांति को देने वाली बनेगी। मात्र कुरूपी होने के कारण तेजपाल ने अनुपमा के साथ जो दुर्व्यवहार कर गंभीर भूल की थी उसका उसे अब खेद हो रहा था। और इसी कारण से ही तो जब अनुपमा की मृत्यु हुई तब तेजपाल फूट फूट कर रोए थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि लग्न के प्रथम दिन जिस पत्नी का रूप देखकर तेजपाल रोया था कि अरे मुझे ये कैसी कुरूपी पत्नी मिली, वही तेजपाल उसी पत्नी के मृत्यु के समय फूट फूट कर रोए थे कि मैंने ऐसी सर्वोत्तम पत्नी को खो दिया। मैंने शादी के बाद शुरुआती के वर्षों में उसके साथ अन्याय किया, बहुत अन्याय किया। अब हम अनुपमा देवी के कुछ और विशिष्ट गुणों को जानने का प्रयास करते हैं। अनुपमा जी को साधु साध्वीजियों की भक्ति में अतिशय रस था। उनको कोचरी वहराते समय उनके पात्र यदि थोड़े भी खराब हो जाते तो अपनी अत्यंत महंगी साड़ी से यानी साड़ी के पल्लू से अनुपमा उन पात्रों को पोंछ देती थी। इतनी महंगी साड़ी है, खराब हो जाएगी, ऐसा कोई विचार उनको आता ही नहीं था। हजारों गरीब अनुपमा देवी को अपनी अन्नपूर्णा देवी ही मानते थे। शुरुआती समय में तो अनुपमा देवी को कोई समझ ही नहीं पाया, किंतु कुछ समय बाद पूरा परिवार उनके निर्णय के अनुसार ही चलता था। कोई भी समस्या आए तो उन्हीं से पूछा जाता था, यानी कि पूरे परिवार में एक तरफ से देखा जाए तो जेठानी होने के बावजूद भी एक देवरानी के हाथों में पूरा कार्यभार सौंप दिया गया था, जिसका मतलब ये होता है कि पूरे परिवार की कमान देवरानी अनुपमा देवी के हाथों में ही थी। लेकिन जब देलवाड़ा में भव्य जिनाले का निर्माण हुआ तो वहां पर एक चीज बहुत चौंकाने वाली दिखाई देती है। वहां पर दो गोखले बनाए गए थे,
दो गोखले यानी देरानी और छेठानी के गोखले। उन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों में से एक का सर झुका हुआ है, यानी कि देरानी अनुपमा देवी का सर झुका हुआ है। और इसका अर्थ ये होता है कि परिवार में इनका ही चलता था, लेकिन इस बात का अहंकार उनमें जरा सा भी नहीं था। निर्णय ये ही लेते थे बावजूद इसके खुद का सर जेठानी के सामने झुकाए रखा। ये है हमारे चिन शासन की श्राविका, चिन शासन की नारी। ये है हमारी संस्कृति, और इसी संस्कृति पर गर्व करना हो तो उस भव्य जिनाले के दर्शन करने हम सब जा सकते हैं। अनुपमा जी के लिए ऐसी मान्यता प्रचलित है कि वर्तमान में सामान्य केवली बनकर महाविदेह क्षेत्र में विचर रहे हैं और वहीं से आयुष्य पूर्ण कर मोक्ष में जाएंगे। यह जितना भी वर्णन अनुपमा जी के बारे में हमने देखा है, यह तो मात्र एक छोटा सा अंश ही है। Nowadays, we are so busy in finding what we like that we forget to like what we have. आजकल लाइफ में थोड़े से भी अप्स एंड डाउन्स आए तो हम देख ही रहे हैं कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इतनी तकलीफ होने के बाद भी अनुपमा देवी डिप्रेशन में नहीं गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण परमात्मा की शरण हो सकती है, शासन के प्रति राग हो सकता है, और क्या क्या कारण हो सकता है वो कमेंट्स सेक्शन में हम चर्चा का विषय बना सकते हैं। गुजरात सौराष्ट्र के एक प्रसिद्ध लेखक श्री झवेरचंद मेघानी की एक पुस्तक है गुजरात नो जय, उस पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने अनुपमा जी का, उनके गुणों का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर अनुपमा देवी के प्रति सर्वप्रथम आपका बहुमान 1000 गुना बढ़ जाएगा। आपको भी अनुपमा देवी जैसे हम भी बने, ऐसी भावना जरूर होगी। सेकंड, आपकी आंखें उनके प्रति के अहोभाव से भीगी जरूर हो जाएगी। जिन बहनों को, युवतियों को अपने रूप की कमी के कारण स्कूल कॉलेज आदि सभी जगहों पर मानसिक त्रास का अनुभव होता है या हुआ था, वे भी यदि इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो 100% खुमारी वाला जीवन जी पाएंगे। कुदरत ने रूप भले ही नहीं दिया, पर समझ शक्ति तो दी है ना, गुण तो दिए है ना, समाज के, देश के, धर्म के अनेक कार्य करने की शक्ति भी तो दी है ना, तो मात्र एक रूप नहीं मिला उसकी चिंता क्यों करना। ये नॉवेल या बुक गुजराती में है और सालों पुरानी होने के कारण भाषा गुजराती लोगों को भी शायद समझ ना आए, इसलिए पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन किसी गुरु के पास यह पुस्तक जरूर पढ़ सकते हैं। एक शासन प्रभावक महात्मा के मुख से हमने सुना है कि आज यदि अनुपमा देवी जी हाजिर होते तो वे उनके दर्शन करने के लिए 2000 किलोमीटर भी विहार कर चल के जाते। उनके लिए अनुपमा देवी एक श्राविका जंगम तीर्थ ही है। करोड़ों वंदन है धर्म रक्षक, साधु साध्वी जी के भक्त, राष्ट्र रक्षक, गरीबों के तारनहार, गुणों के भंडार ऐसी अनुपमा देवी जी को। अनुपमा देवी जी के बारे में हमने जानने का एक छोटा सा प्रयास किया। ऐसी ही महान नारियों की कथा हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जय मीडिया YouTube चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।